सच साहस सरोकार। पीएम मोदी से मिले इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन, भारत को बताया विश्व शक्ति, दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने पर सहमत हुए। बीएसएफ के कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह बोले, भारत और बांग्लादेश के गहरे संबंध कोई इसे कमजोर नहीं कर सकता। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया, कहा भविष्य में बिना अनुमति कैंपस में नहीं आए, दौरे से स्टूडेंट की सुरक्षा को खतरा। अमित शाह भारत बांग्लादेश सीमा पर पहुंचे, कहा हमारे संबंध कोई नहीं तोड़ सकता, टैगोर की जन्मस्थली जाकर श्रद्धांजलि दी। पूर्व सीएम चौटाला का विवादित बयान, बोले हमारे यहां आवारा पशुओं को कहा जाता है खट्टर, 2024 से पहले टूट जाएगा गठबंधन। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका प्राइम उत्तर प्रदेश में। यूपी नगर निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का प्रचार अब थम चुका है। प्रचार थमने से पहले उत्तर नगरीय निकाय चुनाव में परचम फहराने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और जनता को साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी में दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होगा। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक रखा गया है। नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के तहत राज्य के 38 जिलों में मतदान होगा। सपा ने उपचुनाव को लेकर आयोग से शिकायत की है। सपा ने पुलिस पर मतदाताओं को परेशान करने का आरोप लगाया है। सपा ने पुलिस पर स्वार के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में परेशान करने का आरोप लगाया गया है। वहीं सपा ने आरोप लगाया कि आईडी चेक करने के नाम पर पुलिस मतदाताओं को परेशान कर रही है और पिटाई भी कर रही है। सपा ने चुनाव आयोग से मामले का संज्ञान लेने की मांग की। बता दें कि रामपुर की स्वार सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। औरैया में जिलाधिकारी के निर्देश पर आबकारी विभाग द्वारा नगर निकाय चुनाव को लेकर शराब की और बियर की और देसी मदिरा की दुकान बंद कर दी गई है। साथ ही आबकारी विभाग द्वारा सभी ठेकों का निरीक्षण किया गया। आबकारी विभाग से उप निरीक्षक जीएन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 11 मई को नगर निकाय के चुनाव होना है, उसको संपन्न कराए जाने के लिए सभी शराब के ठेके और बियर की दुकानें, देशी मदिरा की दुकानें बंद कर दी गई हैं। और यदि कोई अवैध मदिरा बिक्री करता है तो उसकी सूचना तत्काल आबकारी विभाग के नंबर पर दें, जिससे कि अवैध मदिरा बेचने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। अब देखिए इस समय शाम के 6 बज चुके हैं और पूरी जनपद की जो है 6 बजे सारी जो है शराब की, अंग्रेजी बियर देसी की पूरी दुकानें बंद करा दी गई है। और ये बंदी सुनिश्चित करने के लिए हमारी टीम और हम सभी लोग पूरे रोड पर हैं। अब लोगों से हम यही अपील करना चाहते हैं कि कहीं भी इस दौरान कोई भी अवैध मदिरा किसी भी तरह से कहीं भी अगर पाई जाती है, किसी को सूचना दी जाती है, तो हम लोगों के मोबाइल नंबर पर उसकी सूचना दें, उसकी कार्रवाई की जाएगी। देवरिया में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने मंगलवार को राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय चटनी गढ़ही का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई गंभीर खामियां मिली। मौके पर मौजूद प्रभारी एमओआईसी द्वारा यहां 25 बेड का अस्पताल बताया गया, लेकिन निरीक्षण के दौरान केवल 3 ही बेड मिले, जो कि अत्यंत जर्जर अवस्था में थे। वहीं खामियों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने प्रभारी एमओआईसी मेडिकल ऑफिसर और 3 स्टाफ नर्स के कई महीनों के वेतन आहरण पर रोक लगाते हुए क्षेत्रीय आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारी से स्पष्टीकरण तलब किया है। आयुष चिकित्सालय चटनीगढ़ी देवरिया कस्बे में है, जिसमें 25 बेडेड राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय मान्यता प्राप्त है और इसमें मात्र 3 बेड मौके पर हैं। जो बेड हैं उसके गद्दे और तकिया सभी इतने गंदे हैं कि उस पर लेटने से आदमी बीमार हो जाएगा। जो स्टाफ है उसने भी काफ़ी लापरवाही कर रखी है और 2 स्टाफ एब्सेंट हैं, उसकी प्रविष्टि नहीं थी। पेशेंट को एग्जैक्टली कौन सी आयुर्वेदिक दवा दी गई है इसके लिए कोई रजिस्टर काउंटर पे ही नहीं है। जो एमओआईसी हैं डॉक्टर आकांक्षा गुप्ता, वो अपने स्टाफ जो एब्सेंट है उसके बारे में कोई एंट्री रजिस्टर में नहीं है। इतना बड़ा
यूपी के हरदोई जिला में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। गैस सिलेंडर में विस्फोट के बाद लगी आग से युवक की मौत हो गई। घटना बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र के ग्राम सकाहा में हुई है, जहां गैस सिलेंडर में आग लगने से सिलेंडर फट गया। जिस दिन ये हादसा हुआ उसी दिन घर में बारात आनी थी। इस हादसे में घर में रखा शादी का सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं शादी में आए मेहमानों में से एक की जलकर मौत हो गई। इस घटना से शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। हरदोई में जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त शादी समारोह में बारातियों के लिए पकवान बनाए जा रहे थे। वहीं घटना का पता चलते ही वहां पहुंची पुलिस हादसे की जांच कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता हर्षराज जुड़ेंगे। हर्षराज, देखिए शादी का मौका था, सिलेंडर फट गया जिसमें एक युवक की मौत हो गई, और क्या कुछ अधिक जानकारी अभी तक निकल कर सामने आ रही इसमें? नंदनी, आपको बताना चाहेंगे, बेटा गोकुल थाना क्षेत्र के सकाहा निवासी अशोक पुत्र मथुरा की बेटी की शादी की तैयारियां चल रही थी। मंगलवार को बारातियों के खाने का इंतजाम चल रहा था, वहां मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। तो इसी दौरान वहां रखे गए सिलेंडर में तेज धमाके के साथ विस्फोट हो गया। विस्फोट इतना तेज था कि वहां आसपास के गांवों तक में आपदा तफरी का माहौल हो गया। इसी बीच अशोक के घर मेहमानी में आए बिहानी कोतवाली के अब्दुल्ला निवासी शैलेंद्र पुत्र सुखलाल की चपेट में आने से मौत हो गई, और आसपास लगे दहेज का सामान भी जलकर खाक हो गया। सिलेंडर में विस्फोट होने से शादी वाले घर में भगदड़ मच गई। जी हर्षराज, शादी का माहौल था, आसपास के लोगों में बताया जा रहा है कि अफरा तफरी मच गई थी, क्या कोई झुलसने की भी खबर आई किसी की? अभी नहीं, ऐसा कुछ बताया नहीं जा रहा, लेकिन यह है कि आसपास के थोड़ा सा हल्की सी कहीं ना कहीं खरोच आई है लोगों को। जैसा कि पुलिस मौके पर पहुंच गई थी, उन्होंने बताया कोई ऐसा बड़ा हादसा होते होते टल गया, लेकिन एक की मौत बताई जा रही है। जी, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया इसको लेकर? SSP जो है यहाँ के दुर्गेश कुमार सिंह है, उन्होंने बराबर इस पर निगरानी बनाई हुई है, जो भी है अब तक पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन विस्फोट इतना तगड़ा हुआ कि अगल बगल गांव के लोग थे वो भी उसमें कहीं ना कहीं चुटाई होने की खबर आ रही है। हर्षराज, एक की मौत बताई जा रही है, तो क्या वो परिवार का ही सदस्य था या कहीं से बाहर आए हुए थे? कहीं बाहर से आए हुए थे ये मेहमान नवाजी में आए थे, यानी क्षेत्र के थे, तो एक की मौत हो गई उसमें। जी, तो घर में जिसकी शादी थी, किसकी शादी थी, लड़के या लड़की की? लड़की की शादी में ये इनके रिश्तेदार जो साइलेन, इनकी मृत्यु हो जाती है, ये मेहमानी में आए थे। हर्षराज, बताया जा रहा है कि शादी का माहौल था, तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ दिया गया है कि इस तरीके से जो भारी नुकसान हुआ है उसके लिए क्या कुछ कहा गया है? यहाँ के जिले के हरदोई के जो SP हैं, उन्होंने लगातार इस पर निगरानी बनाई हुई है, और यहाँ के जो एडिशनल SP हैं लगातार मौके पर जाके उन्होंने पूरी जांच पड़ताल की है। लेकिन विस्फोट इतना तगड़ा हुआ था तो इसकी जांच अभी चल रही है, उन्होंने जांच करके जो भी इसमें दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हर्षराज। हरदोई के बेनीगंज कस्बे में दो पक्षों के मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दो युवक एक दूसरे पर हमलावर दिख रहे हैं। बता दें कि बेनीगंज थाना क्षेत्र के मुख्य चौराहे पर बाइक और साइकिल में भिड़ंत हो गई, जिसके बाद दो युवक आमने सामने आ गए, जिसमें दोनों के बीच मारपीट होने लगी। इसी दौरान एक पक्ष का युवक मारपीट में गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके सिर में चोट लगने से वह लहू लुहान हो गया। मारपीट की घटना से मुख्य चौराहे पर हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में ले लिया, जिनको थाने पर ले जाकर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस ने मामले में वीडियो और तहरीर के आधार पर कार्रवाई की बात कही है। गोंडा में कोतवाली नगर पुलिस और स्वाट टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि नगर कोतवाली और स्वाट टीम ने नोएडा में कॉल सेंटर का संचालन कर साइबर फ्रॉड करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जहां आरोपियों द्वारा HDFC लाइफ पॉलिसी में 14.50 लाख रुपए दिलवाने के नाम पर 44,200 की ठगी की गई थी। साथ ही आरोपियों द्वारा डॉक्टर सहित विभिन्न लोगों को निशाना बनाकर उनके साथ साइबर क्राइम किया जा रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पंजाब, हरियाणा, मतलब सभी स्टेट के सीनियर डॉक्टर्स की इनके पास जो है लिस्ट मिली हुई है, और हमने उनमें कई डॉक्टर साहबों को फोन किया तो उनसे उनके साथ भी फ्रॉड हुआ है। उनके द्वारा बताया गया कि हाँ, हमको कुछ को जानकारी ही नहीं है, तो ये डाटा लीक करने की धारा 72 ITA भी लगाई गई है, 66 ITA है, 66D है, इम्पर्सोनेट करते थे ये लोग की जो है हम इंश्योरेंस से बोल रहे हैं, लेकिन ये बेसिकली कॉल सेंटर के लोग होते थे। इन सब लोगों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इसमें जो स्काई फ्लाट एक कंपनी है नोएडा की, कॉल सेंटर कंपनी है, इसके हापुड़ का रहने वाला है इसका जो मालिक है, उसकी भी जानकारी हुई है, और भी अन्य लोग।
ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर में हमारे साथ संवाददाता मुजीब आलम जुड़ेंगे। मुजीब, साइबर क्राइम करने वाले 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है इसको लेकर? जी जानकारी में आपको बता दें कि जिस तरीके से कोतवाली नगर व जनपद गोंडा की स्वास्थ्य टीम के हाथ बड़ी सफलता लगी है, इसमें साइबर फ्रॉड करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके और ये SDFC लाइफ पॉलिसी के नाम पर 15 लाख रुपए दिलवाने के नाम पर 44,200 की ठगी की गई थी, जिसकी अज्ञात में एक तहरीर नगर कोतवाली जनपद गोंडा में दी गई थी। वहीं गोंडा के पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर के द्वारा टीम गठित करके और ये टीम नोएडा जनपद नोएडा जा करके और वहां से गिरफ्तार कर करके उनको लाई है, जिसका जो है खुलासा किया गया। जी बताएं। मुझे बताया जा रहा है कि डॉक्टर सहित कई तमाम बड़े पदों पे जो रहते थे इनको अपना निशाना बनाते थे, तो कि और किन किन लोगों को? बिल्कुल आपको बताते चले कि इनके द्वारा इस तरीके से पूरे प्रदेश में नहीं कई जनपदों सहित अन्य राज्यों में भी इनका जो है गैंग सक्रिय था और ये पढ़े लिखे उच्च स्तरीय पद पर बैठे हुए लोगों को अपने ठगी का निशाना बनाते थे और उन्हें पॉलिसी के नाम पर हजारों लाखों की ठगी करते थे। जी इस पूरे गैंग में कितने सदस्य हैं? अभी तो सिर्फ 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ प्रशासन की तरफ से कहा गया है? ऐसा प्रशासन की तरफ से बताया जा रहा है कि जो भी इन 3 की गिरफ्तारी के बाद जो भी अन्य है इनसे पूछताछ जारी है, अगर अगर कुछ इस तरीके से सुराग मिलते हैं या अन्य जनपदों या अन्य किसी प्रांतों से भी तो उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुजीब। सूडान के जारी गृह युद्ध में फंसे भारतीयों में से एक रायबरेली के इंदर अपने घर सुरक्षित पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि मोदी सरकार ने ऑपरेशन कावेरी चलाकर भारतीयों को सुरक्षित उनके परिवार के बीच पहुंचा दिया है। वहीं इंदर की सुरक्षित वापसी से उनका परिवार मोदी सरकार को धन्यवाद कहते नहीं थक रहा है। हमारा बेटा बच्चा आ गया, वही बहुत है, हम लोग बहुत परेशान थे हमारे बच्चे के लिए, अब क्या करें, यही हाथ जोड़ते मोदी सरकार से कि हमारा बच्चा हमारे परिवार में आके मिल गया, वो ही बहुत है। सरकार का धन्यवाद, सरकार का धन्यवाद है माल भैया। अब क्या करी, हमारा बच्चा बहुत दुखी थे, हम लोग घर भर यहाँ रो रहे थे हम, अब तो भला हम आ गया, यही बहुत है, उसको सरकार के लिए हम धन्यवाद करते हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, हमारा बच्चा आ गया है। वहाँ का मंजर यही था सर कि वहाँ बम गोला बारूद ज़्यादा चल रहे थे, इसीलिए हम लोग जान बचा के भागना पड़ा। ये तो क्या देखा वहाँ पर? वहाँ सर यही देख रहा था कि बम और गोला बहुत ज़्यादा गिरा रहे, फाइटर जेट से बम गिरा रहे थे, हेलीकॉप्टर से तो वो लोग गोलियाँ चला रहे थे, यही नज़ारा बहुत भयानक था। जिस समय बम गिरा उस समय क्या कर रहे थे आप? उस समय मैं रूम पे सो रहा था, मेरे रूम से 100 कदम दूरी पर बम गिरा। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर में हमारे साथ संवाददाता बलवंत जुड़ेंगे। बलवंत, भारतीय जो सुरक्षित निकाले गए थे उसमें से राय बरेली के एक युवक इंदर है जो कि अपने घर सुरक्षित पहुंच चुके हैं। बता दो कि सूडान में जो गृह युद्ध चल रहा था उसमें से प्रधानमंत्री जी द्वारा सर से ऑपरेशन चलाया गया था, जो भारतीयों को सुरक्षित निकालने का काम किया जा रहा था और उसमें से एक रायबरेली के लाल को जो इंदिरा नगर के रहने वाले उनको भी सुरक्षित वो अपने परिवार घर मोदी पहुंचाया और मोदी सरकार को धन्यवाद दिया। इंदर देखे बता रहे थे कि वहां पर गोलीबारी हो रही थी, बमबारी की जा रही थी, इसमें भारतीय एक ऑपरेशन चलाया गया कावेर के द्वारा सबको सुरक्षित निकाला गया, तो इंदर का परिवार का क्या कुछ और कहना था इसको लेकर? उन्होंने सरकार का धन्यवाद दिया और कहा कि मेरा लड़का जो है कुशल घर पहुंच गया, मोदी सरकार और योगी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दिया है उन्होंने कहा। बलवंत, इंदर के साथ उनके आसपास के क्षेत्र में क्या कोई और भी था जो उनके साथ था? नहीं, हाँ देश में तो कई और भारतीय जो अपने नागरिक फंसे हुए थे, लेकिन फिलहाल रायबरेली का जो है इसमें रायबरेली का लाल सुरक्षित पहुंचा है और भी लोग निकाले जा रहे हैं जो वहां पे फंसे हुए हैं।
बलवंत इंदर क्या वहाँ कुछ काम करने गए थे या कुछ जरूरी वहाँ पर वो नौकरी करते थे ऐसा कुछ था? वहाँ पे नौकरी करते थे, चाय के प्लांट जो चाय की दुकान थी उसी में नौकरी करते थे और वहाँ पे अपने जो परिवार के लिए रोजी रोटी की गुजर बसर के लिए वहाँ पे गए हुए थे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका बलवंत। खबर प्रयागराज जनपद के मंडिया कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मिदियूरा गांव का है जहां एक बारात में मनोरंजन के लिए ऑर्केस्ट्रा डांसर लाई गई थी। वहीं ऑर्केस्ट्रा डांस के दौरान गांव के एक युवक ने ही डांस कर रही किशोरी के साथ स्टेज पर चढ़कर अभद्रता और अश्लील हरकत करने लगा, जिसके बाद मौके पर गहमा गहमी का माहौल हो गया, जिसके बाद कन्या पक्ष से लड़की के चाचा ने मामले को शांत कराया और कोतवाली में तहरीर देते हुए मुकदमा पंजीकृत करने की मांग की। लखनऊ के कुकरैल पिकनिक स्पॉट पर पुलिस को एक युवती की छत विछत लाश मिली है। शव को जंगल में जानवरों ने कई दिनों तक नोच कर खाया है। युवती की पहचान पुराना महानगर निवासी कोमल कश्यप के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि कोमल की 4 मई को बारात आनी थी और 4 मई की सुबह वह घर से ब्यूटी पार्लर जाने की बात कहकर निकली थी पर वापस नहीं लौटी। पिता ने देर शाम कोमल के गुमशुदगी की रिपोर्ट महानगर थाने में दर्ज कराई थी। बता दें कि कोमल की शादी रायबरेली सेमरौता निवासी राहुल से होनी थी। वहीं बारात वाले दिन कोमल ब्यूटी पार्लर जाने की बात कहकर निकली लेकिन घर वापस नहीं लौटी। अचानक गायब होने पर उसके परिवार के साथ साथ राहुल भी परेशान होने का नाटक करता रहा। परिवार के बीच रहकर वो गुमराह करने लगा। वहीं सूचना पर पुलिस ने संदेह के आधार पर राहुल को हिरासत लेकर पूछताछ शुरू की तो राहुल ने बताया कि उसने 4 मई को कोमल को फोन करके खुद बुलाया था और उसके आने पर वह बाइक से उसे कुकरैल पिकनिक स्पॉट ले गया, जहां सुनसान जगह पर ले जाकर उसी के दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर दी और शव को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। उसने बताया कि राहुल ने कोमल से शादी नहीं करना चाहता था, कोमल के दबाव बनाने पर वो तैयार हुआ था लेकिन वो कोमल से छुटकारा पाना चाहता था। सूचना प्राप्त हुई कि एक युवती जिस दिन उनकी शादी थी उस दिन वो सुबह अपने घर से ये कहकर निकली हुई ब्यूटी पार्लर जा रही हैं। जब वो वापस नहीं आई तब उनके परिजनों द्वारा खोजबीन की गई और उसके बाद थाना महानगर पे एक एप्लीकेशन दी गई जिस पर तत्काल थाना महानगर पे उनकी गुमशुदगी दर्ज की गई। गुमशुदगी की जाँच के दौरान टेक्निकल और मैनुअल इनपुट्स को कलेक्ट किया गया, साथ साथ टेक्निकल सर्विलेंस की सहायता ली गई और जिस लड़के के साथ युवती की शादी होने वाली थी उस लड़के से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान लगातार लड़का जिसका नाम राहुल मौर्य है उसके द्वारा विरोधाभासी बयान दिए जाते रहे और पुलिस को गुमराह किया जाता रहा। इसके बाद अन्य सीसीटीवी फोटोज। खबर प्रयागराज जनपद के फुलपुर तहसील चक मुजम्मिल मुंताजी गांव के जहां गांव में ही खेल रहा 14 वर्षीय बालक खेलते खेलते अचानक लापता हो गया। परिजनों ने बताया कि 29 अप्रैल को बेटा गांव में ही कुछ बच्चों के साथ खेल रहा था तभी अचानक से वह लापता हो गया, जिसके बाद परिजनों ने काफी खोजबीन किया। जब बच्चे का कोई अता पता नहीं लगा तो परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई। लेकिन 6 मई को अनजान नंबर से प्रियांशु के पिता के मोबाइल पर फोन आता है और 1 लाख की फिरौती मांगी जाती है। पीड़ित ने अनजान नंबर से आए फोन की रिकॉर्डिंग को सराय इनायत पुलिस को दिया। पुलिस नंबर के आधार पर जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। क्या हुआ बेटी? लड़का है सर, हमारा लड़का हरा गया है सर। मिला? नहीं मिला सर, वही बात 6वां दिन है सर, बहुत हेरते हैं, नहीं मिलता है सर। मिलेगा? मिले। अरे सर आप कहाँ से बोल रहे थे? थाने से बोल रहे थे सर? थाने से नहीं बोल रहे, तुम्हारा लड़का मेरे पास है। आपके पास है? कौन है जगह? आप यहाँ भी है और होशियारी करना नहीं, पुलिस उलिस के पास जाना नहीं। अच्छा, अगर चाहिए हो तो बता देना। हाँ हमका चाहेगा, हमका चाहेगा साहब। हेलो साहेब। हाँ बताओ साहेब। जो हाँ बताओ साहेब, हमारा लड़का जो नाती है आजा के नाम रामपति उसके पिता से बात कर रहा हूँ। मेरे
साहब अच्छा आप कहाँ से बोल रहे हैं बाबू जी? हम यहाँ से भी बोल रहे हैं, उसके बाप से बात कर रहा हूँ। कैसे कराई? नंदलाल से। तो नंदलाल बोलता कहाँ है तू बोला? हम बताइए। हाँ तो अगर चाहिए हो तो बता देना। हाँ हमका चाहेगा बच्चे भैया। ठीक है तो कहीं जाओ अब तो नहीं ना? नहीं कहूँ नहीं जाएंगा। हाँ तो इतना याद रखो। तो कहाँ 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 मिलेगा? अब मिल जाएगा। कई दिन में? ठीक है कई दिन में? कई दिन में? कितना तो हो गया? कितना पैसा है आप कितना आप पैसा चाहेगा? कितना दोगे ये बताओ ना। हाँ भाई बहुत गरीब लड़का है, हमें पास पैसा नहीं है साहब। हम गरीब लड़का है, हम पैसा ना दे पाओ साहब। आज नहीं दे पाओगे तो छोड़ते तो फिर क्या भैया? नहीं दे पाओगे तो खोजते रहो फिर क्या करना? तो लड़का देगा आपको नहीं देगा? लड़का मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा मगर इतना लोग ही है बताओ, गरीब हो तभी पूछ रहे हैं। अरे हम ले लेना खर्चा पानी के आओ का घर। खर्चा पानी क्या होता है आप कितने आप बोल दो, अपने मुँह से बोल दो कि हम कितना चाहेगा। तुम बताओ कितना लोग हमारे पास भाई शाम के बेला हम बहुत गरीब लड़का है तो हमारे पास पैसा नहीं है तो कैसे हम अपने मुँह खोल दें? ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता नंदलाल जुड़ेंगे। नंदलाल एक व्यक्ति देखिए अपने बच्चे को ढूंढते हुए बहुत परेशान होता है और उसे एक अनजान नंबर से कॉल आती है और उसे 1,00,000 की फिरौती मांगी जाती है। जी नंदलाल ये पूरा मामला प्रयाग जनपद के फूलपुर तहसील के अंतर्गत सरायनगर थाना क्षेत्र के चक मुजल्लिताजी गाँव का है, जहाँ पर 29 अप्रैल शनिवार शाम की घटना है। वहीं पर जो की अबोध बालक है जिसका उम्र 13 साल बताया गया है, प्रियांशु उसके पिता नंदलाल से जब बात किया गया तो उन्होंने बताया कि मेरा बेटा घर के बाहर खेल रहा था। और नंदलाल ने बता दो कि यह प्रयागराज का ऐसा पहला मामला नहीं है। जिस प्रकार से 24 तारीख को उमेश पाल हत्याकांड के बाद पूरा प्रदेश दहल गया था और उसी प्रकार से देखा जाए तो सरार नायक थाना अंतर्गत जो कांड हुआ है इससे पूरे तहसील में चर्चा का विषय बना है। और जो कि 29 तारीख को बालक लापता हुआ था वहीं पर परिवार के लोगों ने गुमशुदगी का मुकदमा लिखवाया था, लेकिन 6 तारीख को पीड़ित के परिवार वालों के नंबर पर फोन आता है जिसमें आप सुन रहे हैं कि उसमें स्पष्ट होकर रहा है कि मुझे 1,50,000 रुपए दे दो, अपने बालक अपने बच्चे को ले जाओ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सराय नायक पुलिस अभी भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर, पूरा परिवार डरा सहमा हुआ है। अब देखा जाए तो जिस प्रकार से हुआ फिरौती मांग रहा है, खुलेआम बोल रहा है कि जब अपने बच्चे को सही सलामत चाहते हो तो मुझे। नंदलाल कहा जा रहा है कि नंबर की जो है अधिकारी पुलिस प्रशासन जांच पड़ताल करी तो नंबर कहां से आया, किसका है, क्या कुछ अभी तक पता चला है? सराय नायक थानाध्यक्ष से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि हम लोग नंबर के आधार पर जाँच कर रहे हैं, लेकिन पुलिस कहीं न कहीं पुलिस पीड़ित का कहना है कि पुलिस इस महिला हवाली कर रही है, पुलिस ढीली भगत है जो कि बड़े से बड़े अपराधी को पुलिस पकड़ लेती है। मगर 6 तारीख को फिरौती मांगी गई थी लेकिन आज 10 तारीख हो गया, अभी तक इस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पाया है। आज मैंने इस विषय में एसीपी फूलपुर से बात किया, उन्होंने कहा कि पुलिस अपने आधार से गहन अध्ययन जांच पड़ताल कर रही है लेकिन पीड़ित परिवार बहुत डरा सहमा हुआ है, उनको कहीं भय है कि मेरे बेटे के साथ कोई अनहोनी हो जाए। जी नंदलाल क्या बच्चा जो खेल रहा था आसपास के घर के पास ही खेल रहा था या गांव के बाहर गया था या क्षेत्र के बाहर चला गया था, कैसे गायब हुआ? जो प्रियांशु बच्चा खेल रहा था अपने घर के बाहर रोड पे खेल रहा था लेकिन घर वालों को यह संदेह था कि गांव का बच्चा है कहीं कहीं खेल रहा होगा, लेट सवेर आ जाएगा। लेकिन जब देर रात तक पलटना खोजबीन किया जब बच्चा नहीं मिला तो लोगों ने जाके सराय नायक थाने पर गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करवाया और उसके बाद भी वो लोग पूरे क्षेत्र में से परिवार रिश्तेदार नातेदार के यहाँ खोजबीन कर रहे थे। मगर जब 6 तारीख को 6 मई को पीड़ित के परिवार पर एक अनजान नंबर पर फोन आया तो उनके जान लीजिए कि उनके उनको बहुत भय लग रहा था, डर लग रहा था, लेकिन उन्होंने पीड़ित को यह भी धमकी दिया गया कि अगर तुम इसकी शिकायत पुलिस से करते हो तो तुम्हारे बच्चे के साथ अनहोनी हो जाएगी, तुम्हारा बच्चा सही सलामत घर नहीं पहुंचाएगा। जो कि पीड़ित परिवार बिल्कुल
सहमा हुआ है, जैसा कि आप आईडियो में स्पष्ट दे रहे हैं कि पढ़ा लिखा परिवार नहीं है, किस तरह से बात कर रहा है, उसको धमकियां दी गई थी, तुम किसी से बताओगे तो तुम्हारे साथ बहुत बड़ी घटना हो सकती है, तुम्हारा बालक, तुम्हारा जो बच्चा है, तुम्हारे घर नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सराय लाइट पुलिस और प्रयागराज पुलिस की बहुत बड़ी उदासीनता है, जो कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था, धारा 124 लगाई गई है। लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी 6 तारीख के बाद फिरौती मांगे जाने के बाद भी अभी तक पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है, इस बात को लेकर क्षेत्र के लोगों में और परिवार में काफी नाराजगी है। लेकिन पुलिस अभी मीडिया से भी बात करने को इच्छुक नहीं है, वो कह रहे हैं कि हम लोग अपने आधार से कार्य कर रहे हैं, जो कि देखा जाए तो प्रयागराज पुलिस से बहुत बड़ी चुनौती है कि एक मोबाइल पर फोन आता है जी। फोन आने के 72 घंटे बीत जाने के बाद जो कि पुलिस कोई काम नहीं कर रही है, इस बात को लेकर लोगों में काफी नाराजगी है जी। नंदलाल, क्या आसपास के खेलने वालों बच्चों से पूछताछ की गई? आरोपी देखिए लगातार वो धमकी भी दे रहा है, ऑडियो में हम सब ने सुना कि अगर पुलिस प्रशासन के पास जाओगे तो तुम्हारे साथ बहुत बड़ी घटना हो सकती है। वहां पर कई बच्चे खेल रहे थे, बच्चों ने बताया कि एक व्यक्ति आ रहा उसको उठा ले गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है नंदनी कि इतना बड़ा घटना होने के बावजूद लोग कहते हैं पुलिस जमीन खोद कर आसमान से निकाल लाती है अपराधी को, लेकिन इतनी बड़ी घटना हो जाने के बावजूद भी पुलिस अगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है तो लोगों का पुलिस के प्रति और प्रशासन के प्रति विश्वास उठता जा रहा है, जो कि प्रयागराज पुलिस की सबसे बड़ी नाकामयाबी है। देखा जाए अतीक और अशरफ हत्या के बाद पुलिस मुस्तैद थी, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं इसमें हीला हवाली करे, जिससे कि स्थानीय लोगों में और गांव के लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। प्रयागराज जनपद में आए दिन ऐसे वारदात होते रहते हैं, लेकिन पुलिस उसको जब कुछ हो जाने के बाद, कोई अनहोनी हो जाने के बाद प्रयागराज पुलिस जाती है जी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका नंदलाल। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।